हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। मैं डॉक्टर पीएस खाती, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री तथा हॉरोस्कोप, कुंडली बनाने का एक्सपर्ट। देखिए, आज 10 मई 2024, आज की ये जो वीडियो है कुछ विशेष है, विशेष इन सेंस में है। देखिए, हमारा जो ये जीवन है, जो ये मनुष्य योनि हमें मिली है, ये आप सब लोगों को मालूम है कि 1,84,000 योनियों के बाद हमें ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। और इस मनुष्य योनि में भी हमने जैसे जैसे कर्म किए होंगे, उस हिसाब से हमने जन्म लिया। जो भी हमारा प्रारब्ध रहा, उस हिसाब से हमने यहाँ जन्म लिया। अगर हम किसी अच्छे घर में पैदा हुए हैं या किसी अच्छे घर में आपने जन्म लिया है, तो भी ये भी आपका प्रारब्ध है। आप रिच घर में लिया है, उच्च कुल, अच्छे संस्कारवान परिवार में आप पैदा हुए हैं, तो ये भी आपके पूर्व जन्म के संस्कार हैं। और यदि आप गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, या जो भी इस समय आपकी दशा है, तो उसके लिए हम सब जो हैं अपने पूर्व जन्म के हमारे जो कर्म रहे, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। तो होता क्या है, ये तमाम अगर इन चीज़ों को मान लिया जाए, तो जिस दिन हम जन्म लेते हैं, तो उसी दिन कुंडली में जो ये 12 भाव होते हैं, 12 ग्रह, ये 12 ग्रह उसी के अनुरूप उन भावों में विद्यमान रहते हैं। यदि आप इस कुंडली और ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं, तो दो चीजें हैं, या तो आप नहीं करें या नहीं करते होंगे। तब तो आप मान के चलिए, जो हो रहा है वो अच्छा होगा, जो होगा वो भी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि विधाता ने, ब्रह्मा ने, जब बालक पैदा होता है, जो छठे दिन ब्रह्मा जी वहां लेख लिख देते हैं कपाल में कि इसका जीवन ये होगा, इसके ये कर्म होंगे, और ये इस कुल में पैदा होगा, और ये जो है धरती पर ये काम करेगा। वो सब ब्रह्मा की लेख जो है छठे दिन वो बालक पर या बालिका पर वो लिख दी जाती है। तो या तो आप जो हैं उसके अनुसार चलें, जो होगा वही होगा, है ना, क्योंकि वो तो होना ही है, ठीक। या तो वो देख लीजिए, कुंडली मन मानिए, उनको मान लीजिए। और यदि कुंडली मानते हैं, तो ये पक्का है कि जो ग्रह हैं, जो जहाँ पर हैं, वो तो रहेंगे रहेंगे, लेकिन उनका निराकरण है, उसका समाधान है। ज्योतिष विद्या एक रास्ता देती है, ये आपको एक रोड मैप देती है, ठीक है, आपको एक रेमेडी देती है, किस तरीके से आपको ट्रीटमेंट करना है, क्या रिएक्शंस होंगी, कौन कौन से ऑब्स्टिकल आपके साथ रिएक्ट करेंगे, तो ये रिएक्शंस इसमें टेक्स प्लेस करती है। अ वेरी वंडरफुल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस, ओके। तो होता क्या है, होता क्या है, देखिए 12 राशियां होती हैं और 12 भाव होते हैं हमारी कुंडली में। तो प्रत्येक राशि जो है, इसके ऊंच और नीच ग्रह होते हैं। जैसे आप मान के चलिए मेष राशि है, जैसे मेष राशि है, तो जो मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी, मेष राशि का स्वामी मंगल है, और मेष में सूर्य
उच्च राशि में रहता है और शनि जो है वो नीच राशि में रहता है। ठीक इसी प्रकार जो वृक्ष राशि है, वृक्ष राशि में वृक्ष राशि का स्वामी शुक्र है और वृक्ष राशि में उच्च का चंद्रमा होता है और नीच का कुछ नहीं होता। अब तीसरी राशि यदि मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है और मिथुन राशि में राहु उच्च का और केतु नीच का होता है। इसी प्रकार चौथी राशि जो कर्क राशि होती है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और कर्क राशि में उच्च का बृहस्पति होता है और नीच का मंगल होता है। अब कर्क के बाद सिंह राशि में चलें, पांचवी राशि में चलें तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है और सूर्य राशि में सूर्य का यानी सिंह राशि में ना कोई ऊंच का ग्रह होता है ना नीच का ग्रह होता है। अब सिंह राशि के बाद यदि कन्या राशि चलें तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है और कन्या राशि में बुध उच्च का होता है और कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है। कन्या राशि के बाद अगर हम सातवीं राशि तुला में चलें तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है और तुला राशि में उच्च का शनि होता है, उच्च का शनि और नीच का